वही हम शूट कर रहे हैं आज। आप क्या कहना चाहेंगे? चलो रोल। क्या हो गया? बारिश बारिश। चल रोल रोल रोल। आज के सीन की और बात के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज के सीन के बारे में क्या बोलेंगे? आज के सीन ये जो है, ये उर्मी को मारने के लिए अभी सम्राट पागल हो चुका है। सारे तरीके, सारे उसने ऑप्शंस आजमा लिए हैं। दिस इज द फाइनल थिंग मारने के लिए उसको ये करता है, उसको जला देता है। वही हम शूट कर रहे हैं आज। आप क्या कहना चाहेंगे आज के सीन को लेकर? कितना मुश्किल था? काफ़ी रिस्की था और काफ़ी मुश्किल था। अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे बंदे रहना अच्छा लगता है। ऐसे स्टंट्स होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शूटिंग एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसे एडवेंचर्स को आप पूरी सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स फन, बहुत मज़ा आता है व्हेन यू गेट टू डू समथिंग लाइक दिस। इट इज नॉट रिस्की एट ऑल एंड बट इट इज़ फन टू सी। नॉर्मली जैसे हम सेट के अंदर रहते हैं और सीन्स करते रहते हैं, जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। शो में लीप आ रहा है 25 साल का, 25 साल का क्या कहना चाहेंगे? उसमें कितना बदलाव आएगा? सब बदल जाएगा, सब बड़े हो जाएंगे। एवरीथिंग विल बी चेंज्ड एंड थिंग्स विल बी मोर फ्रेश। चीज़ें और ताज़ी लगेंगी और फ्रेश लगेंगी और सुंदर लगेंगी। वी ऑलवेज प्रोग्रेस फॉर द बेटर। सो हम और बेहतरीन दिखाने के लिए लीप ले रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू लुक वेरी नाइस। आप नजर आएंगे लीप के बाद? सॉरी, आप सरप्राइज है। हाँ, इसका आपको अगर कुछ क्लू देना चाहेंगे, आप 25 साल बाद कैसे देखेंगे उर्मी और सम्राट? जैसे लोग 25 साल बाद दिखते हैं, बुढ़ा जाएंगे हम। वी गोना बी ओल्ड, हम बूढ़े हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि शो से आप जा रहे हैं, ये क्या, इस बारे में क्या आपको कहना? हाँ, मैं जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इतनी बड़ी कैरेक्टर को निभा ना पाऊँ। सो आई थिंक इसलिए मैंने कोशिश की कि शायद एक दो साल अपने जो उम्र है उसको और आजमा लिया जाए। उसके बाद करेंगे हम 30 साल 3-4 साल। सेट की कौन सी बात है जो आपको ज़्यादा मिस करेंगे? सबसे ज़्यादा तो हम शूट करते हैं, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा हम शूट करते हैं। और क्या मिस करोगे? I'll miss her यार। So I'll miss my Urmi, I'll miss my choti chuiya. I'll miss everything about the set. यहाँ अपने रूम से लेके अपने को एक्टर से लेके एक्टर्स नहीं रहे, सारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई। एंड आई विल मिस एवरीथिंग अबाउट डोली। आई थिंक आई विल मिस उर्मी। या आई विल मिस उर्मी एंड आई हैव डन माय मैक्सिमम सीन्स। सबसे ज़्यादा मैंने मोहित के साथ काम किया है, तो आई वुड नॉट मिस मोहित मोर एज अ पर्सन, बट आई वुड मिस हिम एज अ टीचर। क्योंकि थिंग्स वुड आई हैव लर्नड ब्लाइंडली। ये एक ऐसा को एक्टर है जिसकी को मैं आँख बंद के भी, अगर अंधेरे में भी वो बोलेगा कि राइट नहीं लेफ्ट चलने के लिए, तो भी मैं इसकी सुनती हूँ। बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ टीचर। आई एम लाइक, जब इसके साथ सीन्स करती हूँ तो मैं सोचती नहीं हूँ कि मुझे सही रहना है, ये मुझे सही करके रखता है। सो या आई वुड मिस दैट टीचर इन माई लाइफ। एंड सम्राट हमेशा नेगेटिव रहा है आपका, उर्मी के हमेशा आग उगलते रहे हैं उर्मी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ यार, आखिर तक जलाई दिया, छोड़ा नहीं है मैंने, आखिर जलाई दिया, पीछा छोड़ा नहीं। एक बैटमैन की, हाँ, एक बैटमैन का पूरा अपने शुरू से आखिर तक। या ऐसा है कि सम्राट ऐसा बन गया है तो क्या करें, बताओ। वो ऐसे मारने पे चला, इसके लिए बड़ा आसान हो गया मारना एक्चुअली सम्राट के लिए। इट्स वेरी इजी टू किल एनीवन राइट। सो कुछ भी करके वो, अब जैसे आज ये जलाने के लिए आ गया है, इससे पहले गाड़ी की ब्रेक फेल कर देता है, कुछ भी करता रहता है। तो या ये सही बात है कि उर्मी का पीछा छोड़ा नहीं और अंत में आके मार ही दिया। अब वो मरेगी नहीं मरेगी वो देखिए आप। लीप के बाद अगर उर्मी निकल जाती है, आप अकेले रहते हैं, क्या मिस करेंगे आप? मैं सब कुछ मिस करूंगा। उर्मी इज़ द शो। अगर मैं नेहा इज़ द शो, अगर मैं नेहा को मैं बिलीव ही नहीं कर सकता और कोई उर्मी नेहा की जगह, टू बी वेरी फ्रैंक, तो थोड़ा प्रॉब्लम, क्या बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि उर्मी जो है, मैं सिर्फ नेहा को उर्मी में देख सकता हूँ और किसी को नहीं देख सकता। शूट के दौरान कैसी केमिस्ट्री रहती है आप दोनों? एकदम
मस्त. अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जा जाते हैं? फैंस यही कहना चाहूँगी दैट द वे यू हैव लव्ड उर्मी, कीप लविंग मी आल्सो एज नेहा. और कोशिश करूँगी कि फिर एक नए अवतार में एक नए तरीके से आई कैन एंटरटेन यू एंड आई कैन डू एवरीथिंग व्हाटएवर एंटरटेन्स यू. कोशिश करूँगी और हम कोशिश करेंगे हम दोबारा साथ में आए. हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा साथ में आए. एंड आई वुड आल्सो वांट कि आप जैसे डोली को देखने आए हैं, डोली और भी बेहतरीन होगा. सो प्लीज़ वॉच एंड कीप वॉचिंग डोली, बिकॉज डोली में बहुत कुछ मसाला है, बहुत तड़का है जो अभी भी आना बाकी है. सो या कीप वॉचिंग. थैंक यू. थैंक यू.